10 जुलाई 2018 है और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग कल के क्विज का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, किस शहर में 2018 का डोपिंग विरोधी खेल सम्मेलन क्लीन स्पोर्ट फेयर आउटकम का आयोजन किया गया था? कहाँ पे? ओस्लो में किया गया था। इसका बी राइट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में WWE इंडिया द्वारा प्रकाशित पहली कॉमिक पुस्तक कौन सी है? तो ये है द ग्रेट इंडियन नेचर ट्रेल विद अंकल बिक्की की। इसका सी राइट आंसर था। मैक्सिमम लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। ऐसे ही आज भी मैंने लास्ट में दो प्रश्न पूछा है, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप 2018 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? दीपा कर्माकर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। और ये खेल कहां पर हुआ था? ये हुआ था तुर्की के मेर्सिन में। ठीक है, तुर्की के मेर्सिन में। तुर्की का बात चला है तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। ठीक है, और तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगन। ठीक है, और तुर्की के करेंसी का नाम है तुर्किश लीरा। ठीक है, तुर्किश लीरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं? कौन बन गए हैं? सत्यरूप सिद्धांत। इसका बी राइट आंसर होगा। तो ये दूसरे पर्वतारोही हैं, तो पहले कौन थे? तो पहले थे मल्ली मस्तान बाबू थे पहले, और दूसरे सत्यरूप सिद्धांत बन गए हैं। इसके बारे में कुछ जान जाइए। सत्यरूप सिद्धांत मल्ली मस्तान बाबू के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। ओजोस डेल सलाडो ये कहाँ पर है ये भी जान जाइए। अर्जेंटीना चिली सीमा पर एंडीज पर्वत पर स्थित एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, और 6893 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सत्यरूप सिद्धांत के बारे में एक चीज और जान जाइए। सत्यरूप सिद्धांत अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट सिडले पर चढ़ने वाले पहले भारतीय भी हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी नेट जेईई मेन और नीट की सभी परीक्षाओं को अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगा, पहले किसके द्वारा आयोजित होता था? तो पहले इसका आयोजन करता था CBSE। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लेकिन अब CBSE नहीं करेगा, अब करेगा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जान जाइए कि जेईई मेन और नीट की परीक्षा जो होगी अब हर साल 2 बार होगी, जिसमें जेईई मेन की परीक्षा जनवरी और अप्रैल में और नीट की परीक्षा फरवरी और मई में होगी। यहां पे यूजीसी आपको दिख रहा है, तो यूजीसी के बारे में भी कुछ जान जाइए। यूजीसी एक्ट 1951 को खत्म करने का प्लान चल रहा है और इसकी जगह पर HECI लाने का काम चल रहा है। तो HECI का फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यूजीसी एक्ट 1951 की जगह पर लाने का प्रावधान बनाया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने थर्मोकोल कटलरी और प्लास्टिक को बैन कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश ने भी थर्मोकोल कैटलरी और प्लास्टिक को बैन कर दिया है, जो कि 3 महीने बाद से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का बात चला है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जान जाइए। जयराम ठाकुर है वहां के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत,
और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा क्रिकेटर 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके पहले दो खिलाड़ी कौन है, वो है सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले व्यक्ति बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं टोटल? 664। और राहुल द्रविड़ कितने मैच खेले हैं टोटल? 509। ठीक है, 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिसमें 318 मैच वनडे इंटरनेशनल था, 90 मैच टेस्ट खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय, और 92 मैच जो है ये T20 खेले हैं। टोटल 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में 13 शहरी आधारभूत परियोजनाओं की नींव रखी? कहां पर? राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान का बात चला है तो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे और राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। ठीक है, इतने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भारोत्तोलक झीली दाला बेहरा ने ताशकंद में 2018 का IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये ताशकंद कहां पर है ये भी जान जाइए। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियो येव। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, शौकत मिर्जियो येव। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला अरिपो। ठीक है, अब्दुल्ला तो ठीक है, अरिपो लिख दे रहा हूं, अरिपो वहां के ये प्रधानमंत्री हैं। और उज्बेकिस्तान की करेंसी का नाम है सोम, SOM, सोम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली को धूल के तूफान से बचाने के लिए कितने लाख पेड़ से पेड़ का दीवार लगाएगा? ठीक है, राजस्थान और दिल्ली के बीच में ये पेड़ का दीवार लगेगा, 31 लाख पेड़ लगाया जाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पुस्तक को मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये पुस्तक का नाम है द इंग्लिश पेशेंट। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके लेखक का नाम जान जाइए, इसके लेखक कौन है? वो है माइकल ओंडाटेजे। ठीक है, माइकल माइकल ओंडाटेजे, ओंडा टेजे ये इनका नाम है, इस किताब के लेखक हैं। इसके बारे में कुछ जान जाइए, द इंग्लिश पेशेंट को इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के 5 दशकों का जश्न मनाते हुए सर्वश्रेष्ठ मैन बुकर पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है। द इंग्लिश पेशेंट ने वर्ष 1992 में बुकर पुरस्कार जीता और 1996 में इस पर बनी फिल्म नौ अकादमी पुरस्कार जीते। इस पर जो फिल्म बनी थी उस पर इसको 9 अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में CCTV परियोजना को नियंत्रित करने के लिए पैनल का नेतृत्व किसने किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ने किया। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल द्वारा स्थापित एक पैनल ने कहा है कि दिल्ली सरकार की प्रमुख CCTV परियोजना आप सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होगी बल्कि दिल्ली पुलिस के माध्यम से लेफ्टिनेंट जनरल के तहत संचालित होगी। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पैनल को अवैध कहा और PWD सचिव मनोज परिदा को अगली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख कैमरों की स्थापना का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल के बीच मतभेद चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 जुलाई को किसने उत्तर पूर्वी परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 67वीं 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की? तो ये किए हैं भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
और ये 2 दिवसीय बैठक कहाँ पे हुई है? शिलोंग में, जो कि मेघालय की राजधानी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मुकुल संगमा, और मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो दे दिए हैं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं ये। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे के बीच एक मतभेद चल रहा है। वो मतभेद इस बात का है कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है? थेरेसा मे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाए। लेकिन इसी बीच मतभेद चालू हो गया, जिसको वजह से बोरिस जॉनसन वहाँ के विदेश मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं। इसके साथ जो ब्रेग्जिट के मसला देखने वाले जो मंत्री हैं, डेविड डेविस, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डेविड डेविस ने, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और वहां के प्रधानमंत्री थेरेसा मे। स्टूडेंट, कल मैं भारत के कुछ सैन्य बल के स्थापना के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने एनएसजी की स्थापना 1974 बता दी थी, तो 1984 होगा, इसको एडिट कर लीजिएगा। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। आज का प्रश्न है, जो कि आपको नीचे कमेंट में लिखना है, भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, जयंत गणपत नादकर्णी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भारतीय सशस्त्र बल के पूर्व प्रमुख थे? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। और आज के करंट अफेयर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप डेली करंट अफेयर